बहनों भाई और मित्रों कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं कोड स्टार्ट डेक्स सिरप के बारे में, यानी सिरप को कब कैसे और क्यों नहीं लेना चाहिए और कितना खतरनाक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपको सूखी खांसी है आप उसमें भी इस सिरप को ले सकते हो, या फिर गले में खराश होती हो, खराश होने के कारण गले में दर्द होता हो उसमें भी आप इस सिरप को ले सकते हो, या दोस्तों आपको जुकाम होता हो उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर नजला एलर्जी होती हो उसमें भी आप इसको ले सकते हो, यानी कि गले में इचिंग सी होती हो, एलर्जी सी होती हो उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर नाक से पानी आना उसमें भी आप इसको ले सकते हो, और या फिर यदि दोस्तों आपको खांसते हुए छींक आना उसमें भी आप इसको ले सकते हो। तो दोस्तों ये दिक्कत आपको जब होती है, तो दोस्तों अगर आप धूम्रपान या किसी गुटखे का सेवन करते हैं और उसके सेवन करने से आपके गले में एलर्जी हो गई हो या बार बार खांसी हो गए हो उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर दोस्तों आपके आंखों से पानी आना छींकते हुए उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या खांसते वक्त गले में दर्द होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो, सूखी खांसी होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर दोस्तों गले में इचिंग होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो। दोस्तों खांसी के साथ साथ नाक बंद हो जाना, रेनिनिटिस हो जाना जिसे हम नजला भी बोलते हैं उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या सूखी खांसी के साथ साथ जुकाम हो जाता है। दोस्तों यह अन्य प्रकार की सूखी खांसी में काम करता है। यदि दोस्तों आपको किसी भी तरह की सूखी खांसी हो उसमें भी आप इस सिरप को ले सकते हो, या फिर आपको छींकते छींकते आप थक गए हैं, आपकी खांसी नहीं जा रही है, सूखी खांसी नहीं जा रही है, तो दोस्तों अगर आप इस सिरप को लोगे तो आपकी खांसी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इस सिरप के यूज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हमें इसे कब कैसे और क्यों नहीं लेना चाहिए। इस सिरप को खाना खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हो, या फिर खाने खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हो। आमतौर पर दोस्तों ये 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर दो बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर इस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं, और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को डॉक्टर 10 मिलीलीटर इस सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों इस सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और मरीज की कंडीशन और मरीज की स्थिति के अकॉर्डिंग और व्यक्तियों की बीमारी गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इसकी डोज अलग हो सकती है, इसलिए इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है वरना सब मिट्टी समान है। दोस्तों अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके कुछ खासकर साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे मुंह से सूखापन होना, भूख ना लगना, सर दर्द होना, सर चकराना, थकान महसूस होना, नींद आना, कब्ज होना, उल्टी होना, उल्टी आने के साथ साथ दी मचलाना, या फिर उल्टी आने का मन होना। दोस्तों एक बात आपको खास कर से ध्यान रखनी है, कोई भी दवा, किसी भी तरह की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहाँ है वरना सब मिट्टी समान है। दोस्तों यदि आपको कुछ इनमें से साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत इस सिरप को लेना बंद कर दे, घबराए नहीं और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों ये थी कोड स्टार्ट डेक्स सिरप की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।